अभी के लिए उनको निकलना पड़ेगा, लेकिन जॉनाथन के ऊपर धावा बोला गया, अभी इसके लिए उनको काल से उछला जाएगा, नॉकआउट कर देगा। उससे जी गॉड भी कोशिश जरूर करे, लेकिन मेरे ख्याल से विजन कंप्लीटली ब्लॉक है, वहां से वो नॉकआउट करने का नहीं बन पा रहा है, तो अब पास से जाके यहां पर कोशिश करेंगे, लेकिन इस भिड़त में जॉनाथन का मैं अर्ली कैजुअलिटी। मैं ये सोच रहा हूं जॉनाथन ने वहां पे शॉट्स भी नहीं कनेक्ट करे, मुझे नहीं लगता उन्होंने एक भी शॉट्स वहां पे कनेक्ट करा था, पर हाइड्रा वर्सेस एबॉम की जो फाइट है वो भी चल चुकी है। एटलस की बात करें वहां पे लेजेंड को डाउन किया गया, जी गॉड का एक बढ़िया ग्रेनेड जाता है और फ्लैंक एंगल यहां पे चेक करने पड़ेंगे, स्ट्राइकर डाउन करते हुए क्लच गॉड को, स्ट्राइकर खुद भी डाउन किए जाएंगे। इस ब्लैक थोड़ा काउंटर फ्लैंक के लिए जा रहे थे और कुछ ज्यादा ही स्प्लिट हो गया यहाँ पे, हैदराबाद हाइड्रास का भुगतान करना पड़ेगा, क्लच गॉड डाउन है, रिवाइव किए जाएंगे, बट अभी भी दो प्लेयर बचेंगे हैदराबाद हाइड्रास के, मैंटी एंड मैक्सी, डेडली डू बचेंगे अपनी टीम से, जॉनाथन को खो चुके हैं बट बाकी तीन प्लेयर आगे जा सकते हैं। मैंटी कोशिश कर रहे हैं अभी भी स्पॉट करने की, प्लेयर को उन्होंने स्पॉट किया, क्लच की बात करी जाए वो डाउन किए गए, मैंटी यहाँ पे डाउन, मैक्सी लास्ट प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से, एक बढ़िया ग्रेनेड और उसके साथ पूरी स्क्वाड हैदराबाद हाइड्रास की एलिमिनेट होती हुई दिखाई देगी। यहां पर जो देख पा रहे हैं आतंकी ने नियो का कंफर्मेशन निकाल दिया है, तो अब टॉप चार टीम, लेकिन क्या एक साथ स्लैम दिया जाएगा, यही एक ऑप्शन मेरे ख्याल से, एक ही चारा बचा हुआ है कि आपको एक साथ जाना पड़ेगा यार। मैं बस ये देख रहा हूँ कि आरी स्पोर्ट्स कितना ज्यादा सहज तरीके से वहां पे बैठी हुई है, वो निकलना भी नहीं चाह रहे और निकलना भी उनको था नहीं, उस चीज का उनको यहाँ पे फायदा मिलता हुआ आप देखिए किस तरीके से एक एक सिंगल प्लेयर को वहां पे डाउन करे, गुनू की बात के स्पॉट किया गया, स्काउट अल्ट्रॉन तो वहां पे मौजूद रहेंगे, स्कोप खोलने की कोशिश, एक प्लेयर को वहां पे वापस से डाउन किया गया, अल्ट्रॉन स्काउट दो प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव करेंगे, स्काउट केस भी बहुत ज्यादा कमाल, अल्ट्रॉन डाउन, स्काउट लास्ट प्लेयर बचेंगे, नहीं अल्ट्रॉन लास्ट प्लेयर बचेंगे, बट नहीं टीम स्पार्क एलिमिनेट करते हुए आरी स्पोर्ट्स को चार और फिनिशर्स, बट कैनारी को वहां पे एक दो स्नैक्स ने डाउन किया बेहतरीन तरीके से थर्ड पार्टी करते हुए एग्जीक्यूट किया, बट टीम एक्सपार्क इस मैच में तबाही मचाते हुए गेम जो 11 फिनिशेस मावी को खो चुके हैं, बट अब व्हाट 3v3 का सिचुएशन यहां पे चलता हुआ एक्सो वर्सेस टीम एक्सपार्क, और सबसे बड़ी बात दोनों ही टीम सर्कल के अंदर। मेजी एक चीज मैं बोलूंगा कि जो टॉप चार टीम है ना सभी का दिल जीता है, फिनिशेस भी अच्छे खासे निकाले, पोजीशन पॉइंट भी अच्छे खासे निकाले गए, और यही देखना चाहते दर्शक कि मुकाबला बराबर ही करे, तो भी तरीका, लेकिन प्लेयर्स के सामने बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ग्रेनेड इस तरह से ग्वेल को ग्रेनेड उनके ऊपर आ जाएगा एंड मौका भी नहीं मिलेगा। अब सिचुएशन हो चुका 3v2 का, स्मोक पाथ क्रिएट कीजिए और जो सामने एक स्टोन मुझे नजर आ रहा है उसका सहारा लिया जा सकता है एक्सपार्क के द्वारा। फियर्स ने वो ग्रेनेड देखा ऊपर से उड़ता हुआ आया, उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बाउंस करके वो ग्रेनेड ऊपर आने वाला है, बट चलिए बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से अल्ट्रॉन के द्वारा वो ग्रेनेड इस्तेमाल किया गया, 420 ओपी स्काउट अल्ट्रॉन, दो प्लेयर बचेंगे सामने, एक्सो स्नैक्स एंड पंक बचेंगे, डेडली डुओ हैं तो सही, देखते हैं क्या आज वो साबित कर सकते हैं या फिर नहीं, बट 420 ओपी सामने उनके हाथ में मॉली करने की कोशिश करेंगे पंक, उनको भी पता है कि ब्रोकन वॉल पे ही सारे प्लेयर इस वक्त मौजूद है, रैंडम ग्रेनेड यहाँ पे थ्रो किया जा रहा है, स्मोक किया गया, बट सर्कल की बात करी जाए मुझे जहां तक उम्मीद है सर्कल इस वक्त टीम एक्सपार्क के काफी ज्यादा क्लोज होगा, लगभग स्नैक्स को यहाँ पे सर्कल के अंदर निकलना पड़ेगा और फियर्स की बात उनको बचाने की कोशिश यहाँ पे की जरूर जा रही है, बट इसी बीच पंक को डाउन किया गया, फियर्स वहां पे बच भी नहीं पाएंगे, पंक लास्ट प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से, और देखना ये है कि टीम स्काउट की अगर बात करें, टीम एक्सपार्क की बात करी जाए तो क्या वो चिकन डिनर अपने तीन प्लेयर के साथ निकालेंगे या फिर स्नैक्स के पास कुछ और करने को बचा है, मोस्ट प्रोबेबली व्हीकल चढ़ा सकते हैं, है नहीं उनके पास, बट मॉली से ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज खा चुके हैं। ये सोच रहा हूँ कि वहां पर क्या रिवाइवल दिया जा सकता था अगर स्मोक पहले फेंक देते तो, क्योंकि एक कैच पर सर्वाइव करते, लेकिन अभी स्नैक्स के ऊपर खतरा मंडरा था वो ऑलरेडी, लेकिन ये जीत है टीम एक्सपार्क। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन पिछली बार भी आखिरी दिन में क्वालिफाई करा था और अभी भी आखिरी दिन कल का बचा हुआ है, टॉप डॉग के हाथ में मोलोटोव देखने को मिली कि जरूर करी उन्होंने प्रिएम्प्टिव मोलोटोव ताकि कोई सीढ़ी पे ना आ सके, उसके बाद एक नेड भी वो करने वाले हैं, मुश्किलें काफी ज्यादा, जैजी उनका भी एक ग्रेनेड जाता हुआ, चलिए इनसे इनके प्लेयर कोशिश करेंगे एक साथ रश करा जाए ताकि कम से कम एक ट्रेड नॉक तो जरूर लिया जाए, बट रेवेनेंट के बाकी जा रहे जो प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा दूर हैं, एक और मॉली किया जा रहा है संयम के द्वारा, टॉप डॉग मुश्किलें उनके लिए थोड़ी सी और बढ़ती हुई, चलिए वो भी वहां से निकल गए, एक और ग्रेनेड आता हुआ टॉप डॉग की तरफ से, मैक की बात करी जाए शायद वो एक बार के लिए डाउन हो सकते हैं, टॉप डॉग ने वापस से अपनी पोजीशन चेंज करी और अब तो कम से कम इनसेन को प्लेयर इनसेन के जो प्लेयर्स हैं उनको ऊपर जाने की एक छोटी सी कोशिश तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखें जोन यहां से निकल चुका है और आदि वो तो प्ले जोन के बाहर ही डाउन हो गए, इस चीज उनको ध्यान में रखनी पड़ेगी क्योंकि यहां से निकलने के बाद भी आपको अंदर जाने के लिए रास्ता खोजना पड़ेगा, कोई टीम होगी हो सकता है जिनसे आपको भिड़ना पड़े, बट मैक वहां पे मौजूद है, पैराडॉक्स का ग्रेनेड सटीक था बट थोड़ा सा हड़बड़ी में वो ग्रेनेड वापस बाउंस होकर उन्हीं के पास आता हुआ आपको दिखाई देगा,
फिलहाल के लिए रेवेनेंट वर्सेस इंसेन काफी लंबी फाइट इस वक्त चलती है और कोई भी जोन के अंदर जाने को तैयार नहीं। देखिए नतीजा नहीं निकल रहा, कोई फाइट लेना चाहता ही नहीं, अभी के लिए उनको जाना तो पड़ेगा। बहुत समय यहाँ पे व्यतीत हो चुका है, अभी को भी पहचाना के लिए रिवाइवल देना पड़ेगा और जाने के लिए ये लड़ना पड़ेगा, जंग करनी पड़ेगी। रेवेनेंट पूरा फायदा उठा रही है पेशेंस का और इंसेन अभी के लिए बिखरते हुए मैच वहां पे बच्चे जरूर हुए, उनके पास भी कोई परफेक्ट बची नहीं है, तो उनको भी मेरे ख्याल से काफी जल्दी बाहर आके फाइट को शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो एंगेज नहीं करते तो वो भी जोन के बाहर ही खत्म होते नजर आएंगे। भाई अगर रेवेनेंट की बात की जाए, चारों प्लेयर्स बिल्कुल तैनात हैं, लूट बहुत शानदार उनके पास और बैक जैसा कि मैंने बोला था फर्स्ट एड्स ना होने के कारण वो भी जोन का शिकार होते हुए। अब टीम इंसेन अभी भी एक प्लेयर बचे हुए, मैं देखना चाहूंगा क्या वो जा सकते हैं, क्या वो कुछ क्लच करके दिखा सकते हैं, बिकॉज ये करना बहुत मुश्किल है। प्लेयर को उन्होंने जरूर करा, उसको खत्म करने की कोशिश एचपी के पास नहीं है। जी हाँ, देखिए कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि ओरांगुटान यहाँ पे इस मुकाबले को जीत रही है। मैं देखना चाहूंगा क्या टीम एनिग्मा फॉरएवर आज कुछ नया ठान के है, बिकॉज ओवेस तो फॉर्म में है, रच करने की कोशिश करते हुए आज सीधा हल्ला बोला जा रहा है और ये काफी शानदार है। ओवेस को ओवेस ने यहाँ पे पहला नॉक निकाला, बट टेड यहाँ पे नॉक कर दिए जाते हैं। ओवेस एक और नॉक निकालते हुए, तो जो फॉर्म थी वो दर्शाते हुए जरूर नजर आए हैं, बट उनका भी ट्रेड निकलेगा। M16 से विजगुड उनको नॉक करेंगे, बट टीम एनिग्मा फॉरएवर मैक्स कैश अपनी म्यूटेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश। विजगुड के पास M16, मैक्स कैश के पास म्यूटेंट, बट अभी के लिए इंतजार है गलती का, जो गलती करेगा वो पछताएगा, मुकाबला बहुत कड़ा होता हुआ। स्पिरिट जो भी इन्वेंट्री में है ना उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेंट्री में एनर्जी ड्रिंक है तो उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि उन्हें पता है कि अपनी एचपी रीगेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दलजीत यहाँ पर जाएंगे सीधा, एक के बाद एक नॉकआउट क्या मिलते हुए नजर आते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी के लिए पड़ा दोनों टीम का मैं बोल सकता हूँ भारी नजर आ रहा है, कोई भी किसी पक्ष में ये गेम ये फाइट जो है जा सकती है। फिर अभी भी देखिए मुझे तो लगता है कि दलजीत अब आखिरी प्लेयर यहाँ पे बच चुके हैं, उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। टेड को रिवाइवल करने की कोशिश वो यहाँ पे करने वाले हैं, बट डीबीएस के साथ आश बहुत ज्यादा हल्ला बोल सकते हैं। ये हेरी गो डीबीएस का बहुत शानदार इस्तेमाल, लेकिन नीड आया जरूर है, अभी पीछे जाएंगे थोड़ा सा डैमेज उनको जरूर मिलेगा, बट अभी विधिवंश के अक्षय के ऊपर मेरी नजरें यहाँ पे टिकी हुई हैं। देखिए बिल्कुल अंदाजा नहीं है, लेकिन फाइनली आरू स्पॉट करते और खत्म करते नजर आ जाएंगे। मेरे ख्याल से वो जो उन्होंने ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाया वो नहीं दिखाना चाहिए। टीम सोल भी एलिमिनेट हो जाएगी, डार्क लॉर्ड भी, एंटिटी के आखिरी जो बचे हुए प्लेयर थे वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे, तो टॉप फाइव में अपनी टीम को ये दोनों सर्वाइवल लेके आए जरूर हैं। बट तीन प्लेयर एक नेड का शिकार, एक 1v4 करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जरूर आतंकी के पास बन जाती है। क्या शॉट लेंगे? जी नहीं, लेने की कोशिश भी जरूर करा, बट एक्विनॉक्स उनको नॉक करेंगे। एक्विनॉक्स द लास्ट मैन स्टैंडिंग, दो टीमें, चार प्लेयर्स, आरू वर्सेस एक्विनॉक्स, वन वर्सेस वन, एक प्योर बैटल आपको देखने को मिल सकता है। शॉट देने की कोशिश एक्विनॉक्स की तरफ से, ऊपर जाने की ट्राई उनकी तरफ से, अगर वो ऊपर चले जाते तो यहाँ पर स्पॉट करा जा जरूर सकता है, स्पॉट उन्होंने करा, बट क्या वो शॉट लेंगे? अभी के लिए नॉक प्लेयर को फिनिश करने की कोशिश यहाँ पे करी जाएगी, स्पॉट करा, शॉट लिया, डैमेज दिया, खत्म करा, टीम सोलो मेड लेके जाती हुई विनर विनर चिकन डिनर। डाउन किए गए सुनामी, डेस्ट्रो का एक और बढ़िया नॉक आता हुआ विजगॉड को वहां पे डाउन किया गया। सुनामी डाउन है, 8-bit काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि उनका एक प्लेयर ऑलरेडी सर्कल के अंदर था, बट शायद वो वापस आ गए। जी बिल्कुल, चारों के चारों प्लेयर आपको यहां पे दिखाई देंगे 8-bit वर्सेस TSM। चलता हुआ ओजी की बात करें, केमिन ईस्पोर्ट्स के द्वारा वो एलिमिनेट कर दिए गए। केमिन ईस्पोर्ट्स आज के दिन पे जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, खासकर ये वाला मैच आप देखें, ऑलरेडी उनके पास फिनिशेस बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलने वाले, 6 टोटल फिनिश उन्होंने निकाला है। रियत के पास एक बढ़िया एंगल आने वाला जरूर है, बट निंजा जॉर्ड उनके स्वागत के लिए तैयार थे। डाउन किए गए निंजा जॉर्ड, TSM के बाकी जो प्लेयर्स थे गाड़ियां उड़ाते हुए एंट्री मारेंगे, बट 8-bit मुश्किल है उनके लिए, काफी ज्यादा जूसी उनको भी स्पॉट किया गया। मैडमैन डाउन, मोस्ट प्रोबेबली जूसी जो लास्ट प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से, मोस्ट प्रोबेबली और ज्यादा देर तक सरवाइव ना कर पाए, क्योंकि ग्रेनेड की बारिश अब TSM के द्वारा होने वाली। बिल्कुल जूसी, शायद देखिए अभी तक वो किस्मत चल रही है, अभी किस्मत इक्विनॉक्स की भी रही, क्योंकि बाल बाल बचे हुए इसमें सर्वाइव, लेकिन अब खत्म हो चुका है। क्या सटीक लगता है कि नहीं, मेरे ख्याल से बच जाएंगे, बट दूसरी तरफ जो फाइट चल रही है, एक तरफ आपके खिलाड़ी वहां पर दूसरे टीम के साथ फाइट ले रहे हैं और दूसरी तरफ गॉड लाइक ईस्पोर्ट्स के भी साथ ये फाइट इनिशिएट हो चुकी है। दो खेल नॉकआउट हुए, इससे बेहतरीन मौका नहीं होगा 2v2 फाइट करने का, लेकिन नियो तैयार है, वो पहले चाहते हैं रिवाइवल से पहले नॉकआउट किया जा सके, उसके बाद यहाँ पर फाइट में इन्वॉल्वमेंट। और ये देखिए मेहम को एक के बाद एक झटके निकलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए तीनों प्लेयर्स यहाँ पे खत्म होते नजर आएंगे आपको मेहम के, क्यों? क्योंकि वो चौथा प्लेयर तो कहीं और फंसा हुआ है, अलादीन के नजरों में वो प्लेयर है। और मेहम की एक और खराब शुरुआत, जितना अच्छा उनका कल का दिन था आज उतना ही खराब दिन जाता हुआ। चलो तो आराम से जाएंगे, टेम्पस को खत्म करेंगे, और फिनिश यहाँ पे टीम गॉडलाइक के नाम जाएगी। प्लेयर्स नॉक जरूर हुए थे, बट जोनाथन भी जोनाथन है, पैन तो यहाँ पे निकाल सकते हैं, बट छोड़िए पैन तो पुरानी बात होगी ना, आजकल नया ट्राई, थोड़ा अलग तरीके से खत्म करने की कोशिश वो कर सकते हैं। थोड़ा सा सताया जा रहा है, चारों तरफ घूमा जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे शायद एक मोलोटोव के जरिए खत्म करा जाएगा। अभी के लिए तो वो कह रहे हैं नहीं, वो नहीं, SOS सिग्नल होता है ना, वो सिग्नल दिया जा रहा है इनके साथी को कि आइए इन प्लेयर
तो बचाइए, आपको आग से मैं दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ। अब तो उठा के लेके जाया जा रहा है, कंधों पे उठा लिया गया है जोनाथन। ना कोई डर है, ना कोई गिला, ना कोई शिकवा, बट संभल के संभलना तो पड़ेगा, बट ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता। जंप करके पंच करा जाता है, फिनिच करा जाता है, बट यस इसकी बात आप यहाँ पे कर रहे थे, वो हुआ एंटिटी आती हुई और शॉट दिया जोनाथन को, नॉक करा जाएगा, बट गाड़ी वहां पे थी, कवर लगाया गया, जोनाथन पीछे जाएंगे, उनके ड्राइवर देना तो चाहते हैं जरूर थे, बट नियो वो भी अपन में यहाँ पे जा चुके हैं, क्या उनको भी यहाँ पे नॉक करा जाएगा, बहुत दूरी से स्प्रे आज जरूर रहे हैं, बट शैडो मौका गवाया, नियो को नॉक करा, नूब ने टीम गॉड लाइक ऑन द बैकबोर्ड, पूरी तरह से खेल सा लिया है एंटिटी गेमिंग ने, वो ये चाहते भी थे, देखिए ये चीज मस्ती मजा कर अगर कवर में रहती ना तो सही रहता है, लेकिन ये जो गलती करी है ये अब मेरे ख्याल से जोनाथन भी खुद हंस रहे होंगे, बट अभी के लिए एंटिटी के पास एक बढ़िया मौका, क्योंकि उन्हें पता है बट ये नॉकआउट क्लाउड क्यों इस तरह से बाहर गए, अगर उनको लग रहा था उनकी गाड़ी बस्ट होने वाली है, बट स्काईलाइट्स गेमिंग वर्सेस TSM उनकी फाइट चलेगी। सोमराज यहाँ पे डाउन किए गए, गमला बॉय की बात करें वो भी डाउन, इक्विनॉक्स वो भी डाउन हो चुके, दो प्लेयर दोनों टीम से डाउन है। पुकार की बात करें, निंजा जॉट गाड़ी उन्होंने चढ़ा दी। वेक्सी की बात करें, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट प्लेयर होंगे जो अपनी टीम से सर्वाइव करेंगे, निंजा जॉट इक्विनॉक्स को बचा नहीं पाए, इसी के साथ खत्म। बट एक्सो की स्क्वाड की बात करें, एक्सो ने स्काईलाइट्स की स्क्वाड की बात करें वो यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके, बट जी थर्ड पार्टी करने को पूरी तरीके से तैयार। एक बेहतरीन मौका ग्लोबल स्पोर्ट्स के पास यहाँ पे थर्ड पार्टी करके खत्म करने का, TSM को दो प्लेयर यहाँ पे प्लेस को मिलते जरूर हैं, एक प्लेयर उन्होंने गवाया यहाँ पे इक्विनॉक्स के रूप में, यार यहाँ पे बहुत समय के बाद ना एक उसी देखने को मिल रही थी, बट स्काईलाइट्स गेमिंग के वेक्स ही उसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर पाया। TSM के निंजा यहाँ पे नॉक कर दिया जाता है, नकुल आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे, मान्य स्पॉट करते हैं निंजा को, AJ द्वारा M4 के आई थिंक वेपन का यूज करके उनको खत्म भी कर दिया जाएगा, बट नाउ ग्लोबल स्पोर्ट्स को लाइसेंस मिल चुका है, स्ट्रेट अवे रश करने की कोशिश वो यहाँ पे कर सकते हैं, मेम के एटलेस पीपल सोल के ओमेगा तो नॉक करते हुए, बट ग्लोबल स्पोर्ट्स दे आर पुशिंग एंड दे आर रशिंग एंड TSM ऑन द बैक फुट, लास्ट मैन स्टैंडिंग। क्या वो रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू करना चाहते हैं? जी हाँ, बट नेड्स इस बिल्डिंग में बहुत हद तक आ सकते हैं। स्मोक्स का इस्तेमाल किया जाएगा TSM के आखिरी प्लेयर के द्वारा, ओमेगा वो भी खत्म किए गए टेम्पेस्ट के द्वारा। MYM लास्ट मैच है, कोशिश करेगी कि इस मैच में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए, बट शैडो जी जहाँ पे खड़े हुए वहीं पे ग्रेनेड फट गए और इसी के साथ TSM की स्क्वाड एलिमिनेट, चार फिनिश उन्होंने निकाला, आश डाउन किया जाएंगे, बट ग्रेनेड जस्ट टीम एक्सपार्क के तीनों प्लेयर के पीछे फटा था, बट जो प्लेयर वहां पे नॉक थे उनको रिवाइव कर दिया गया है ड्रिगर के द्वारा। विस्गॉट की बात करें, मुश्किल उनके लिए काफी ज्यादा, अपने आप को वो हील करने की कोशिश करें, बट ग्रेनेड किया जाएगा, आश की बात करें प्लेयर उनके बाहर वो खत्म हो जाएगा, विस्गॉट एक ग्रेनेड उनके जस्ट पीछे फटा, बट मावी कोशिश करेंगे कि उनको डाउन किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा, बट अल्ट्रॉन का एक ग्रेनेड, विस्गॉट और ट्रिगर, लास्ट प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से, टीम एक्सपार्क का डोमिनेशन देखने को मिलता है, 12 फिनिशेस, दो और इंतजार करेंगे 14 फिनिशेस के साथ, बढ़ेंगे इस मैच में आगे। ट्रस्ट द प्रोसेस मेजी, ट्रस्ट द प्रोसेस, दे आर रशिंग इन, बट ट्रिगर अभी भी बचे हुए, शॉट करने की कोशिश, उनको भी यहां पे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, स्काउट इज रशिंग इन एंड ही वुड गेट द जॉब डन। टीम एक्सपार्क एक चिकन की तलाश में, 14 फिनिशर्स निकाल चुके हैं, टीम रेवेनेंट को भी खत्म करा जाएगा, या नहीं अभी बचे हुए एक प्लेयर बचे हुए क्योया अभी भी सर्वाइव करते हुए, बट कितनी देर तक, टीम एक्सो वो भी चिकन की तलाश में अभी बचे हुए, दो प्लेयर्स उनके पास, क्या वो चिकन निकाल पाएंगे, क्या वो 32 अंक लेके जा सकते हैं, नेड आएगा जरूर बट पहुंचेगा नहीं, पेड़ से टकरा के वहीं गिर जाएगा। जी बिल्कुल वही मैं देख रहा था, टीम एक्सपार्क को आप देखे इस पे मौजूद, अभी भी उनको सर्कल के अंदर आना पड़ेगा, मात्र केवल 30 सेकंड उनके पास बचे रहेंगे, बट इस बीच आप देखे टीम एक्सो किस तरीके से वो खेल रहे, कितना बढ़िया प्लेसमेंट उनके पास है, 14 फिनिशेस टोटल निकाले हैं, 10 अंक अगर यहाँ पे भी एलिमिनेट होते तब भी प्लेसमेंट को उनको मिलने वाले, बट रेवेनेंट उनकी भी तारीफें बनती है, उनको चाहिए जब होता है तभी वो गेम अपना दिखाते हैं, और आप देखे किस तरीके से वो बैक टू बैक अपने आप को ऊपर पहुंचाते हुए दिखाई देंगे, फेयर्स कोशिश कर रहे थे ग्रेनेड करने की, पनिश किए गए, काफी ज्यादा ओपन में आए, डाउन किए गए, अब पंक के पास मौका नहीं है कि वो उस प्लेयर को रिवाइव कर पाए, बट टॉप डॉग इस तरीके की गलती आप आखिरी सर्कल्स में नहीं कर सकते जब आपके पास सर्कल है, बट वहां पे पंक को भी मौका दिया गया कि वो फेयर्स को रिवाइव कर पाए। जी हां, बट जोन के अंदर जाना है टीम एक्सपार्क को, टीम एक्सो को भी जोन के अंदर मेरे ख्याल से थोड़ा सा एडवांस यहां पे करना पड़ेगा, बिल्कुल भी आसान ये चीज नहीं होने वाली, रेवेनेंट के पास एडवांटेज जरूर है, बट अपने आप को स्मोक करके क्या गलती करी उन्होंने, क्योंकि उनकी पोजीशन अब वो देख नहीं पाएंगे, ये एक बहुत मुश्किल डिसीजन, बट पीछे जाके टॉप डॉग स्पॉट करने की कोशिश जरूर करते हैं कि अगर वो शॉट लेंगे तो दो नॉक एक्चुअली दो फिनिशेस वो यहां पे निकाल सकते हैं, स्काउट इज ऑन अ रैम्पेज, पंक को नॉक करा जाता है, बट फील्स वहां पे स्ट्रेट अवे ट्रेड कर लेते हुए आपको नजर आएगा, थोड़ा नीचे टॉप डॉग का जो स्प्रे था वो थोड़ा ऊपर, बट फील्स यहां पे एक और नॉक निकालते हुए, अल्ट्रॉन भी नॉक, अल्ट्रॉन भी फिनिश, 15 फिनिशेस के साथ टीम एक्सो लेके जाती है तीसरा पायदान, बट अभी के लिए टॉप लोग यहां पे बचे हैं, 2v2 सिचुएशन, क्या जीता जा सकता है, 2v1 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, आगे बढ़ने की कोशिश, 420 को नॉक करा जाएगा, इट्स अ 1v1, मावी
वर्सेस टॉप डॉग, कौन जीतेगा ये विनर विनर चिकन डिनर? कोशिश की जाएगी टॉप डॉग की तरफ, बट मावी वो भी हार नहीं मानने वाले, सामने से स्पॉट किया गया। मावी की बात करी जाए, खेल करेंगे खत्म और इसी के साथ टीम एक्स पार्क विनर विनर चिकन डिनर।